मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के भोपाल आगमन पर उनके कार्यक्रम की जानकारी दी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि चुनावी माहौल में पीएम नरेंद्र मोदी पांचवी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मोदी की सागर हरदा में सभा होगी और भोपाल में रोड शो करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और वह अपनी जनता को धन्यवाद देने आ रहे हैं। सीएम मोहन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक जीतने के बाद भी धन्यवाद देने नहीं आते हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहले फेज का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण के चुनाव में हम जी जान लगाकर जुट गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा, सभी वर्ग की महिलाएं पुरुष जो आरती उतारते हुए हमारी परंपरा है, हमारी बंगाली समाज की बहनें तो बहुत अच्छे से शंख वादन करके और शंख ध्वनि के साथ और लक्ष्मी माता की उल्लू की जो सवारी का दृश्य रहता है वो शंख के साथ एक विशेष ध्वनि से भी अभिनंदन करती है, वो अभिनंदन का दृश्य रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।